व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे, आप देख रहे हैं टेक लीनियर। आज मैं दो उमदा फोन की कंपैरिजन आपके सामने करने जा रहा हूं। ये पहला है IQ7 और दूसरा है Mi 11X। दोनों ही फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया और ऑनेस्ट प्राइसिंग के साथ आते हैं। अगर मैं बात करूं दोनों की प्राइसिंग की, तो दोनों ही फोन 30,000 से 33,000 के बीच में दोनों ही फोन रेंज करते हैं। हाँ, अगर ऑफर की बात करें, दोनों फोन 28,000 से 29,000 के बीच में ऑफर में दोनों फोन ही रेंज करते हैं। वही बात करें अगर जो है IQ और जो है Mi 11X की, दोनों के प्रोसेसर की बात करते हैं, तो दोनों में ही स्नैपड्रैगन क्वालकॉम Snapdragon 870 जो है प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 5G प्रोसेसर है। दोनों ही बढ़िया कैपेबल 5G प्रोसेसर है और दोनों ही जो है 3.2 क्लॉक स्पीड के साथ दोनों ही प्रोसेसर आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करें अगर IQ की, तो IQ में एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर और लगा हुआ है जिसका नाम है डिस्प्ले इंटेलिजेंट चिप प्रोसेसर। इसमें IQ ने खुद का प्रोसेसर बनाया हुआ है, जो IQ का कहना है कि ये बेस्ट से बेस्ट गेमिंग इन्हांसमेंट के लिए ये जो प्रोसेसर काम आता है। आपके जो फ्रेम रेट होते हैं उसको 60 फ्रेम से 120 फ्रेम में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर देता है। मैंने खुद IQ 7 यूज़ किया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसमें। जब मैंने गेमिंग करी थी, Asphalt 9 में ये सपोर्ट कर रहा था, और वही बात करें COD में सपोर्ट कर रहा था ये, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप मतलब लगेगा कुछ तो स्मूथनेस है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर के आ रही है मोबाइल में। वही बात करें स्टोरेज की, तो दोनों में 3.1 की UFS स्टोरेज लगी हुई है, जो दोनों सबसे ज़्यादा फास्ट स्टोरेज है आज के समय में। अगर रैम की बात करें तो रैम जो है LPDDR5 रैम लगी हुई है Mi 11X में, और LPDDR4X रैम लगी हुई है IQ7 में। हाँ, LPDDR5 थोड़ी सी तेज़ रैम है, लेकिन अगर बात करें अगर रैम स्टोरेज की, तो देखा जाए तो 12GB 256GB का वेरिएंट मिलता है IQ7 में, और वही Mi 11 में आपको 6GB 128GB और 8GB 128GB का वेरिएंट ही मिलता है। इसमें 1256GB का आपको वेरिएंट नहीं मिलता है, जबकि इतना ज़्यादा प्राइसिंग करा उसके बाद 1256GB का वेरिएंट मेरे ख्याल से मिलना जरूर चाहिए था। हालांकि बात करें अगर स्टोरेज की, तो दोनों में 3.1 की UFS स्टोरेज लगी हुई है, और रैम भी दोनों में LPDDR4X LPDDR5X Mi 11X में लगा है। और अगर आप बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी में IQ7 में 4400mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही साथ इसमें 66W का फास्ट चार्जर मिलता है दोस्तों, 66W का फास्ट चार्जर, जो कि आपके फ़ोन को 0 to 100 ओनली इन 27 मिनट में चार्ज कर देगा। वही बात करें अगर Mi 11X की, तो Mi 11X में आपको जो है 52 मिनट लग जाता है, क्योंकि इसमें 33W का फास्ट चार्जर है, जो कि 4520mAh की इसमें बैटरी लगी हुई है, और 52 मिनट लग जाता है आपको एक मोबाइल को पूरा चार्ज करने के लिए। वही आपको आधे से भी कम टाइम में IQ7 चार्ज कर देता है आपके मोबाइल को। और बात करें वही अगर कैमरे की, तो दोनों में ही कैमरा मेरे ख्याल से लगभग बराबर है। हाँ, कुछ चीज़ों में Mi 11X जो है बाजी मार जाता है। वही डायनेमिक रेंज की बात करें, तो डायनेमिक रेंज में IQ7 जो है बाजी मार जाता है। और बात करें अगर जो है कैमरे की, तो मेन सेंसर जो कैमरा लगा है दोनों में 48MP का मेन सेंसर कैमरा, दोनों ही सोनी का ही सेंसर है। हाँ, IQ7 में 592mAh का सेंसर लगा हुआ है, वही इसमें 582mAh सोनी का सेंसर लगा हुआ है। वही IQ में 13MP का वाइड एंगल कैमरा है, प्लस में 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा लगा हुआ है। वही बात करें अगर Mi 11X की, तो इसमें 8MP प्लस में 5MP का दो सेंसर लगे हुए हैं। देखिए, दोनों की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगी, दोनों में ही कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। मतलब कूलिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे आप वायरलेस बढ़िया ज़्यादा से हाई एंड गेमिंग करते हैं, दोनों में ही लिक्विड कूलिंग और इसमें ग्रेफाइट कूलिंग IQ7 में आपको मिलती है। हाँ, लिक्विड कूलिंग जो है हालांकि रैंकिंग हिसाब से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर मैंने खुद गेम खेला 2.5 आवर मैंने IQ7 में गेम खेला था, ऐसी कोई मुझे ज़्यादा गर्माहट नहीं लगी जो है ग्रेफाइट कूलिंग के मारे, कि मतलब ग्रेफाइट कूलिंग है तो वो फ़ोन ज़्यादा गर्मा रहा है। ग्रेफाइट कूलिंग बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस देती है एक फ़ोन को हीटिंग कम करने के लिए। और देखिए अगर रैम और डिस्प्ले की बात करते हैं, तो दोनों में ही डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले 120Hz दोनों ही सपोर्ट करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि दोनों में ही जो टच सैम्पलिंग रेट है, दोनों ही 360 जो है Mi 11X में, और 300 टच सैम्पलिंग रेट जो है IQ में लगा हुआ है। और मैंने मतलब दोनों ही फ़ोन को अच्छे से चलाया था, लेकिन आपको मतलब 360 में ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। हालांकि 240Hz जो टच सैम्पलिंग रेट होता है वो पहले से इतना ज़्यादा होता है। वही बात करें दोनों में, तो 300 और 360 मतलब अबव 240 के हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा गेमिंग परफॉर्मेंस खेलने के लिए। देखिए अगर मैं अगर क्लियर विनर की अगर बात करता हूँ, तो क्लियर विनर मेरे हिसाब से IQ7 रहेगा, क्योंकि IQ7 में तीन चीज़ें ज़्यादा लगी हुई हैं। अगर आप बात करें कैमरा सेंसर भी उसमें ज़्यादा अच्छा है। वही बात करें बैटरी भी, ओनली 27 मिनट में बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। वही Mi 11X में जो है 52 मिनट लग जाता है। और साथ ही साथ में इसमें डिस्प्ले इंटेलिजेंट चिप, एक नई चिप जो खुद IQ ने बनाई हुई है, वो अपने इस मोबाइल में उसने जो डाली हुई है, और जो आपको मतलब एक नई स्मूथनेस के साथ एक मोबाइल को लाता है, जो है लगे कि जैसे आपको कुछ तो है जो मोबाइल को एनहांसमेंट और ज़्यादा लेके करके आ रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से आपको अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो है वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी जैसे नई वीडियो आए तो आपको तुरंत इसका नया बढ़िया तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टाटा।